हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो जैसे कि अभी हमने लाइव एंड किया है और हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया कि थर्ड लिस्ट आ चुकी है। तो यस, आप लोग भी वेट कर रहे थे कि थर्ड लिस्ट कब आएगी। सुबह से ही हम सभी वेट कर रहे थे थर्ड लिस्ट के लिए। सो फाइनली SCERT DLED 2021 की थर्ड लिस्ट आ चुकी है। आप साइट पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया भी था कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है। इस कट ऑफ के PDF मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि अब इसके बाद क्या करना है। तो जिन स्टूडेंट्स का इस कट ऑफ में नंबर आया है, टोटल 71 पेजेस हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स का इसमें नंबर आया है उनको उनके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। आप 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो और आपको जिस इंस्टीट्यूट में आपका नंबर है आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना है। एंड जो कॉमन डाउट मेरे पास आ रहा था वो था कि दी ये जो रिटेन्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रिटेन्ड इसका क्या मतलब है। तो रिटेन्ड का मतलब है जिस इंस्टीट्यूट में आपका पहले नंबर आया था वापस से उसी इंस्टीट्यूट में आपका नंबर आया है, इस वजह से वो रिटेन लिखा हुआ है। मतलब कि वापस से उसी सेम इंस्टीट्यूट में नंबर आ जाना इस कॉल्ड रिटेन्ड। ओके, सो बहुत सारे बच्चे मेरे को यहाँ पे गवर्नमेंट डाइट भी दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट डाइट में भी आया है वापस। आई थिंक मोस्ट ऑफ का रिटेन्ड ही लिखा हुआ है। अभी तक हमने 14 पेजेस चेक कर लिए हैं, सभी पे रिटेन लिखा है। देखिए कुछ यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स भी हैं, देख सकते हैं जिसके आगे फ्रेश लिखा हुआ है उनका फ्रेश है। देखिए एक बच्चे को फ्रेश 8th चॉइस उनकी मिली है, डाइट मोतीबाग फीमेल, इनका है 0003601। सो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसका नंबर आएगा किसका नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। सो मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका किस डाइट में नंबर आया है। और फाइनली आपका जिस डाइट में नंबर आया है, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर पीछे से फ्लोट करके आए हो, तो फाइनली आपको ये आपके फ़ाइनल इंस्टीट्यूट है और आपको इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपको अब अपनी सीट को फ्रीज़ करनी है। ओके, तो जो बच्चे पहले फ्लोट करके आए हैं उनके पास तो सिर्फ फ्रीज़ का ही ऑप्शन आ रहा है, उनके पास फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अब आपको फ्रीज़ करना है। और जो फ्रेशर्स हैं जिनका अभी इसी लिस्ट में फ्रेश नंबर आया है उनको भी अब इसमें फ्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग वाली लिस्ट आएगी और उसमें उनका एडमिशन होता है जिनका किसी भी नंबर में लिस्ट में नंबर नहीं आया। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की है। तो आई थिंक आज की वीडियो इतनी ही रहनी चाहिए। और थर्ड लिस्ट आ चुकी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस लिस्ट में भी 2500 समथिंग बच्चों का नंबर आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल इन आर डाइट फैमिली। आप लोगों के किस डाइट में नंबर आया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं शाम को लाइव 6 बजे।